नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सिवनी के घनसौर में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगातार 10वें दिन भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। आज पंचायत कर्मियों द्वारा सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर अड़ियल रुख अपनाए हुए है। ऐसे में जनता के काम बाधित हो रहे हैं, जबकि जनता हलकान हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे सरकार जल्द माने, जिसमें जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। आज 10वां दिन है जब हम पंचायत ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शासन स्तर से अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है, जिसके कारण से हम अपनी हड़ताल को विराम दे सकें। हड़ताल प्रांतीय स्तर से जो कार्यक्रम निर्धारित हुए, उसी कार्यक्रम की कड़ी में आज पुरुष कर्मचारियों द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया कि सरकार हमारी मांगों को शीघ्र सुने, हमको अवसर दें, हम भी सेवा में उपस्थित हों और जनता परेशान ना हो। लेकिन शासन स्तर से अभी तक इसके लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। आगे का आंदोलन प्रदेश कार्यकारिणी तय करेगी, जैसा स्वरूप जैसा निर्धारण किया जाएगा वैसा हम लोग कार्य करेंगे। खबर समय जगत के लिए सिवनी घनसौर से रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।